सुप्रीम कोर्ट ने दी लंगली एनसीआर वालों को दी बड़ी राहत। डीएनडी फिलहाल रहेगा टोल टैक्स फ्री, डीएनडी ब्रिज फिलहाल टोल टैक्स से फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को मिल रही राहत बरकरार रखी है। इस मामले में इनकम टैक्स ने भी अर्जी दाखिल की है। नई दिल्ली, दिल्ली को नोएडा को जोड़ने वाला डीएनडी ब्रिज फिलहाल टोल टैक्स से फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को मिल रही राहत बरकरार रखी है। कोर्ट ने कंपनी को कहा कि इस मामले में इनकम टैक्स ने भी अर्जी दाखिल की है और टोल कंपनी उसकी अर्जी पर जवाब दाखिल करें। इनकम टैक्स ने कहा है कि कंपनी टैक्स नहीं दे रही है, जबकि उनके ऊपर टैक्स बकाया है। वहीं कंपनी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद हम टोल वसूल नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब 21 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा। मुंबई, बिना टोल दिए भागने के चक्कर में कार चालक ने टोल कर्मी को मारी टक्कर। कैमरे में कैद पिछली सुनवाई के दौरान कंपनी की तरफ से कहा गया था कि मामले की सुनवाई जल्द की जाए, क्योंकि मामले के लंबित होने से कंपनी का हित प्रभावित हो रहा है, इसलिए मामले में जनवरी के आखिरी हफ्ते में सुनवाई की जाए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कैग रिपोर्ट टोल कंपनी समेत सभी पक्षकारों को देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हमें कोई कारण नहीं लगता कि ये रिपोर्ट सील बंद ही रहे। टोल कंपनी की ओर मुकुल रोहतगी ने कहा कि कंपनी को रोजाना 50 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। डीएनडी टोल टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टोल को रद्द कर दिया था और इसे लेकर नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। राजस्थान, बीजेपी विधायक ने टोल प्लाजा कर्मचारी को पीटा, वीडियो वायरल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कैग को कंपनी के खातों की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। कैग ने जांच के बाद सीलबंद रिपोर्ट सौंप दी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कैग बताए कि टोल बनाने में कितना खर्च आया और कंपनी अब तक कितना टोल वसूल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने टोल वसूलने पर लगी रोक हटाने से भी इनकार कर दिया था। टोल बूथ में रुकने के लिए मारा ब्रेक, लेकिन हो गया ब्रेक फेल। देखें हादसे का। कंपनी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, ये प्रोजेक्ट 1991-92 का है, जब कंपनियां देश में आने को तैयार नहीं थी। 1997 में माओ साइन हुआ, 2001 में ये शुरू हुआ। पिछले 6 साल से कंपनी घाटे में चल रही है। शर्त के मुताबिक 20% सालाना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR मिलना चाहिए। कंपनी ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने अभी तक 1135 करोड़ रुपए खर्च किया है, जबकि उनकी कमाई अभी तक 1103 करोड़ की हुई है। तब कोर्ट ने कहा 32 करोड़ रुपए बस आपके बकाया निकलते हैं। वहीं कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से पूछा था कि आप किसके साथ है, कंपनी के साथ या हाई कोर्ट में जिन्होंने जनहित याचिका दाखिल की थी उनके साथ। तब नोएडा अथॉरिटी के तरफ से बताया गया कि अभी उनका कोई अधिकारी कोर्ट रूम में नहीं है, जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा आपके अधिकारी क्या मामले को लेकर गंभीर नहीं है। कोर्ट ने कंपनी से पूछा था कि अभी तक कितना पैसा आपका बकाया निकलता है। आप डीएनडी रोड की तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने चांद तक की सड़क बना दी हो।